आज ये हमारा पहले इलेक्शन नहीं है, ये हमारा तीन बार होने जा रहा है और तीन बार हम साथी पे खेत लिया है। तो इसमें मैं इस जीत को जो हमारा जो ईटानगर की माता पिता भाई बहन हर जनजात को मैं देता हूँ। साथी मैं हमेशा कहता हूँ ईटानगर एक मिनी इंडिया जैसा है, हर जनजातियाँ रहता है, अच्छा भी रहता है बुराई भी रहता है, जो भी हो ईटानगर के लिए अच्छा के लिए हमने इस 10 साल में काम करने कोशिश किया डेवलपमेंट में। तो इस बार फिर उन लोग मेरा जो काम काज को देख के, ईटानगर का जो एक लीडर होने का नाते उन लोग मेरा काम काज को देख के इन लोग ने मुझे वापस आने तक का मदद किया। हर माता पिता और ये जो इलेक्शन में बहुत कम समय मेरा जितना दोस्त है जितना साथी है जो मेरा कार्यकर्ता इलेक्शन एजेंट से लेकर जिसको जो भी पोतपलो दिया है इन सभी ने हर सेक्टर कॉलोनी में दिन रात एक करके उन लोग मेहनत किया। उसका जो मेहनत का जो पल है मेरा सारे कार्यकर्ता को मैं देता हूँ और मैं बाकी जितना है हर माता पिता भाई बहन आप सभी मीडिया को दे रहा हूँ। तो मेरा जो जीत है और मैं कोशिश करूँगा आने वाला जो 15 साल में जो हमने 10 साल तो कर चुका है इस 5 साल में और बेहतर ईटानगर को मैं देने का मैं कोशिश करूँगा। सर आपको बीजेपी की टिकट नहीं मिला, जेडीयू से खेला, आप क्या बोलेंगे? देखो समय समय की बात है। और ईटानगर स्मार्ट सिटी में जा रहे हैं आप, इसको कैसे ले जाएंगे? उसको बीजेपी टिकट नहीं दिया बोल के उसका हमारा कोई रिएक्शन नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं गलती होता है और क्या जाने उन लोग का गलती में हो सकता है, फिर क्या जाने हमारा गलती भी हो सकता है। इसको हम उन सभी को भी हम बदनाम करने का बा वो हमको नहीं दिया बोल के हम गुस्सा करने का जब हमको टिकट नहीं मिला तो हम बीजेपी का ऑफिस में गया है, हेड ऑफिस में जाकर हम आराम से अपना रिजर्वेशन देकर सभी को मैं मिल के आया हूँ और मैं उस समय में सभी का साथ दोस्तीबाजी है, सभी का साथ प्यार करता हूँ और आज भी मैं इसी तरह हूँ। जीत के अच्छा महसूस है, हम जो कष्ट किया मिल गया पल। सर आप जीत के बाद इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे, अपने मेहनत पर, किस्मत पर या जनता पर? मेरा जनता के ऊपर में है पूरा भरोसा है और एक तो हमारा एक अपना हार्डशिप और ये जो भाग्य के ऊपर में भी निर्मल है क्योंकि भगवान तो भाग्यों का ऊपर में ही रहता है। जितना जो लेफ्ट हुआ है उसको पूरा करने के लिए तो आया है हम। लोगों ने हमारे लिए क्या मेरे ऊपर जो सहानुभूति हमारे जितने भी 37 के लेगो बांगे के लेगो बांगो का जितने भी हमारा समर्थक है इन्होंने बहुत ही मेहनत किया, श्रेय उनको ही मैं देता हूँ क्योंकि मैं अकेला तो शायद इसको नहीं भूल पाता था। मैं धन्यवाद दूंगा राहुल गांधी जी को, मैडम सोनिया गांधी जी को भी और हमारा बीजेपी का बीजेपी सरकार का पिछले 2.5 साल में हम जो काम करके आया है वही हमारा मुद्दा है, विकास का मुद्दा है। हम विकास जितना भी हो सके विकास अरुणाचल को और आगे बढ़ाएंगे। हमारा रोड कम्युनिकेशन सेक्टर में एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर एजुकेशन हेल्थ ऑल दिस सेक्टर्स वी विल पुट अप आवर एफर्ट्स। और सर आप अरुणाचल में कितना जो है शीत आने का संभावना है बीजेपी तक? तो देखिए बीजेपी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और जो भी आया है ईस्टर्न पार्ट में एक टू टू इंडिपेंडेंट आ गया है। तेजू में अभी क्या रिजल्ट है मुझे पता नहीं है लेकिन बोडुमसा में भी इंडिपेंडेंट आया है। अपोजिशन तो एक भी खाता खोला नहीं अभी तक, अभी तक जितना भी ईस्टर्न पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी हैं सब बीजेपी ही आया है। एक खाता खोला है, एक में हार गया वो भी इंडिपेंडेंट आ रहा है। तो हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा होने का उम्मीद है हमारा। तो 27 में से कम हम तो 23-24 आने का उम्मीद है हमारा। थैंक यू।